यहाँ के कोई वार्ड सदस्य मुखिया है कुछ क्या? नहीं है, कुछ ऐसे नहीं ऐसे उनका यही काम है धोखाधड़ी करता है। कितना लोन ले चुका है, कितना लोन ले चुका है, इतना ना लोन लिया कि वो ये घर से भी घर होकर भागे फिरता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार की जो पंचायती राज की जो व्यवस्था है उस पर हमेशा आवाज उठता आया है। पंचायत में जो योजनाएं आती है, योजनाओं को लेकर आज इस वीडियो में जानकारियां मिलने वाली है। अभी हम जहां पे मौजूद हैं, यह मझौलिया प्रखंड का श्यामपुर पंचायत है और श्यामपुर बैठनिया पंचायत है, और इस पंचायत में एक योजना का बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग। तो यहाँ पे एक योजना जो कि 2020-21 की योजना है, और लाभुक का नाम राजेश राम है, श्यामपुर राजघाट के निवासी हैं। इनके द्वारा यह जो मत्स्य पालन का जो काम शुरू किया गया, और इसमें आप देख सकते हैं जो प्रकलित राशि है 8,50,000 है और अनुदान राशि 6,37,500, यानी कि 8.5 लाख रुपया का जो यह योजना है, और जिसमें से इनको अनुदान मिल गया है 6,37,500। और यह जो है कि रुपया उठाकर और यहाँ पे जो मछली पालन का जो काम किया गया है, तो काफ़ी अच्छा काम है। 2 रुपया का रोजगार के लिए सरकार के द्वारा यह जो योजना मिला है, और इस योजना पर जो काम किया गया है, तो सबसे बड़ी कमी क्या आती है पंचायत में, पंचायतों में जो योजनाओं में भ्रष्टाचार का बात आप लोग हमेशा सुनते आए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी योजना पर पैसा उठ तो जाता है, लेकिन योजना पर आप देखेंगे जो जमीनी स्तर पर काम सही तरीका से नहीं हो पाता है। तो वैसे ही इस योजना को लेके आपको सच्चाई दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 5 टैब यहाँ पे बनाए गए हैं, और 5 टैब बनाए गए हैं यहाँ पे जो मछली पालन का अनोखा तरीका से यहाँ पे टैब बनाया गया है, और इसी टैब के माध्यम से इसमें मछली पालन करने का काम किया जाता है। और यहाँ पे प्राप्त जानकारी के अनुसार पता चल रहा है कि मात्र 2021 के बाद मात्र 2 बार यहाँ पे मछली पालन शुरू किया गया है। तो आइए हम टैब दिखाने का प्रयास करते हैं। यह जो टैब है आप ये देख सकते हैं, यह जो टैब है इस टैब की स्थिति क्या है, इस टैब में ना आपको पानी दिखाई देगा और ना ही मछलियां दिखाई देगी। और इस तरह से देखा जाए तो योजना पर पैसा तो उठ गया है, लेकिन यहाँ पे योजनाओं पर काम नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से यह बायोफ्लॉक मत्स्य फार्मिंग का जो काम है यहाँ पे शुरू तो किया गया। कोई भी नया योजना पर जब काम किया जाता है तो लोगों के अंदर एक उमंग होती है कि इस योजना के जरिए 2 रुपया काम करने का एक साधन मिलेगा, 2 रुपया कमाने का एक रोजगार मिलेगा। यहाँ पे एक स्थानीय निवासी हैं जिनसे हम पूछने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो अभी मत्स्य पालन का जो काम शुरू किया गया है, हाँ, तो इसमें मछलियाँ अभी नहीं है, न पानी है, कोई चीज नहीं, बस देखावटी जो चीज बना है, देखावटी बना हुआ है। गवर्नमेंट का धोखाधड़ी करके पैसे लूटे गया है। अच्छा, गवर्नमेंट के जो भी काम वहाँ धोखाधड़ी करके पैसे उसके लूटे गया है। अच्छा, अभी जाकर देखिए, ये कागजाती जमीन नहीं है, ये सरकार की जमीन है, ये जाली कारोबार करके इन्हें बनवाए। अच्छा, ये जो जमीन है सरकारी जमीन, सरकारी जमीन। तो ये जो प्लांट है, ये प्लांट मालिक का घर कहाँ है? नहीं, वो ये प्लांट राजेश राम ऐसे बनवाया। राजेश राम कौन है? उमेश राम जो बनवाया है। मतलब यहाँ के कोई वार्ड सदस्य है, मुखिया कुछ है नहीं है, ऐसे उनका यही काम है धोखाधड़ी करता है। कितना लोन ले चुका है, कितना लोन ले चुका है, इतना ना लोन लिया कि वो ये घर से भी घर होकर भागे फिरता है। अच्छा, यानी कि यह जो योजना है यह धोखा से यहाँ पे खड़ा कर दिया गया। हाँ, कर दिया। और नाम के लिए इसमें कितना बार मछली डाला गया? 1 बार नहीं डाला है। नहीं नहीं डाला है। और एक तरह से देखा जाए तो सरकारी योजना पर लूट खसोट मची हुई है। वही करते हैं, कितना सुअर पालन तक, क्या पालन तक, मछली पालन कर गए, ऐसे धोखाधड़ी करके इन्हें पैसे खा रहा है, कमा रहा है, गवर्नमेंट को लूट रहा है, गवर्नमेंट का धक्का दे रहा है पैसे। तो ये है बिहार की स्थिति। बिहार में जो भी सरकारी योजनाएं आती है तो कहीं ना कहीं जो लाभुक हैं, जो काम करना चाहते हैं, जिन योजनाओं को ईमानदारी पूर्वक से लेकर उस पर काम करना चाहते हैं, हालांकि ये अगर चाहेंगे कि इनको इस तरह का काम मिले तो इनको लोन नहीं पास होगा। नहीं होगा, हम घूस देंगे तो हमारा हो जाएगा। कहीं ना कहीं इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो गलत लोग हैं, घूस देकर और सरकार से जो लोन पास करा लेते हैं, और इस तरह का प्लांट बैठाकर पेपर में यह चीज शो कर दिया जाता है कि वहाँ पे योजना पर काम चल रहा है, मछली पालन चल रहा है, लेकिन यहाँ की स्थिति आप सभी के सामने है। योजनाओं में एक तरह से कहा जाए तो योजनाओं को लूटा गया है और यहाँ पे मछली पालन बिल्कुल बंद है।
तो बिहार पंचायती राज के बिहार पंचायत की बात करें तो पंचायतों में योजनाएं तो बहुत आती है, लेकिन योजनाओं का लाभ सभी को नहीं मिल पाता है। तो योजनाओं को लाभ लेने के लिए वैसे लोग आगे चले जाते हैं जिसके पास पैसा है, पैर भी है, वैसे लोग अपना पैर भी लगा के पैसा खर्चा करके ऐसे प्लांट बैठा लेते हैं, लेकिन इस पर काम बिल्कुल नहीं हो पाता है। एक बार जब सरकारी पैसा पॉकेट में आ जाता है उसके बाद इस योजना को ध्वस्त कर दिया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे योजना पंचायतों में ध्वस्त हो रही है। आप देख सकते हैं कि अभी जो है कि पंचायती राज विभाग के द्वारा जो नल जल योजना का संचालन किया गया, सात निश्चय योजना के अंतर्गत वार्ड सदस्यों को चुना गया ताकि वो अपने वार्ड में जल मीनार बनवाएं और लोगों तक शुद्ध पेयजल मुहैया कराएं, और सरकार का यह महत्वाकांक्षी योजना रही है। लेकिन उसके बाद भी अभी जो वार्ड सदस्य के द्वारा काम कराया गया उसमें अनियमितता पाई गई, जिसको लेकर आज तक वार्ड सदस्यों पर आवाज़ उठता रहा है, पंचायत प्रतिनिधियों पर आवाज़ उठता रहा है। तो जिस प्रकार से इस योजना की शुरुआत की गई है, और यह जो योजना है 8.5 लाख की योजना है, कहीं ना कहीं सरकार का जो 8.5 लाख रुपया है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके इस योजना को ध्वस्त किया गया है। इस योजना के लेके आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी बने रहे हमारे चैनल पर, और भी पंचायत से जुड़े ऐसी बहुत सारी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।